हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर इलेवन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फाइंड आउट माई पार्टनर तो आपको यहाँ पे लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढना है जो बॉडी ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड जो कुछ वैल्यूज दी हुई है उन्हें हमें उनका पार्टनर बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है तो यहां पे हमें टू ग्रुप्स दिए हुए है ग्रुप ए और ग्रुप बी तो चलो ये हम पढ़ते जाते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है हार्ट बीट्स ह्यूमन हार्ट वन मिनट में सेवेंटी टू टाइम्स बीट्स करता है तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेवेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी आरबीसी क्या होता है रेड ब्लड कार्पसल्स तो इसका अमाउंट कितना होता है हमारी बॉडी में फिफ्टी टू सिक्सटी लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर नेक्स्ट है डब्ल्यू जो क्या है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और इसका अमाउंट कितना होता है फाइव थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन मतलब एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो कितना ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो 350 फिफ्टी ब्लड डोनेट कर सकता है नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है तो वो होता है सेवन पॉइंट फोर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम में क्या दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्क्यूलेटरी सिस्टम दिया हुआ है रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है मतलब लंग्स है नोज है और सर्क्यूलेटरी में हार्ट और ब्लड रिलेटेड जो सिस्टम है वो है तो हमें यहाँ पे ऑर्गन्स बताने हैं और उनके फंक्शंस बताने हैं ये मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और उनका फंक्शन क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है देखो फर्स्ट वाले कॉलम में यहां पे लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम मतलब हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं नोज फेरिंग्स विंड पाइप जिसे हम ट्रैक भी कहते हैं लंग्स एल्वियोलस और डायफ्राम ये क्या है ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के मतलब सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स आते हैं वो ऑर्गन्स एक साथ क्या कहते हैं उन्हें हम सिस्टम कहते हैं तो ये हो गया ऑर्गन्स उसके बाद जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें हम फंक्शंस बता रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नोज तो सबसे पहले हम देखते हैं नोज नोज का क्या फंक्शन है फॉर इनहलेशन एंड एक्सलेशन मतलब इनहेल करना और एक्सेल करने में नोज हमें हेल्प करता है द एयर इज फिल्टर्ड एंड मेड लिटिल वॉर्म वेन ब्रीथ पासिस थ्रू नोज मतलब इसके साथ ही वो क्या करता है एयर को फिल्टर करता है और उसे लिटिल वार्म करता है थोड़ा सा गर्म करता है जब वो नोज से पास होता है फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर लीड्स टू ट्रैकि एंड एसोफेगस तो फेरिंग्स क्या है जब नोज से हम एयर लेते हैं इनहेल करते हैं उसको तो वो पास होता है फेरिंग से तो फेरिंग्स में से दोनों पास होता है एयर भी पास होता है और फूड भी पास होता है तो जो एयर जो होता है वो जब पास होता है तो वो विंड पाइप में जाता है और जब फूड पास होता है तो वो फूड पाइप में जाता है नेक्स्ट है विंड पाइप तो विंड पाइप का अदर नेम क्या है ट्रैकिया ट्रैकिया और विंड पाइप दोनों सेम होते हैं और ईसोफेगस और फूड पाइप सेम होते हैं तो यहाँ पे हम ईसोफेगस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम पढ़ नहीं रहे हैं. तो विंड पाइप हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रैकििया टेक्स एयर टू लंग्स तो वो क्या करता है विंड पाइप क्या करता है एयर को कहाँ पे लेके जाता है लंग्स में लेके जाता है और हमें पता है कि हमारे टू लंग्स होते हैं तो जो एक सिंगल पाइप होता है ना ट्रैकिया का वो आगे जाके बाइफोकट्स हो जाता है बाइफकेट्स का मतलब है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बाइफोकेट्स इनटू टू ब्रोंकाई मतलब मतलब जो ट्रैकिया है वो बाइफकेट हो जाता है और टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट आता है लंग्स प्रोवाइड्स स्पेस फॉर रेस्पिरेटरी गैशे एक्सचेंज मतलब लंग्स क्या करता है स्पेस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी गैश एक्सचेंज तो गैश का एक्सचेंज होता है ना तो वो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है लंग्स नेक्स्ट है एलवीओलस एल्बिरोलस का क्या वर्क है एक्चुअल गैशेज एक्सचेंज बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्चुअल गैशेज एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करना ये काम कहाँ पे होता है एल्विओलस में नेक्स्ट ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है डायफ्राम डायफ्राम का क्या काम है बाय कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इट मेक्स ब्रीदिंग मूवमेंट्स पॉसिबल सो डायफ्रोम में कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ये क्या है मसल्स है जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है जिसके कारण ही ब्रीदिंग मूवमेंट्स जो हो रहा है वो पॉसिबल है आप फील कर सकते हो जब आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर रहे हो तो मसल्स की मूवमेंट होती है वो एक्चुअली में क्या होती है डायफ्रोम के मूवमेंट होती है जिसके कारण ही ब्रीदिंग पॉसिबल है अब हम आते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम में तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन क्या दिया हुआ है हार्ट हार्ट का क्या काम होता है मस्क्यूलर पंप दैट कैन सेंड द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी मतलब हार्ट क्या है एक्चुअली में एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है और ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सेंड करता है नेक्स्ट ऑर्गन है आर्टरीज आर्टरीज का क्या काम होता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल दार्ट ऑफ द बॉडी मतलब ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी के ऑल पार्ट में जितने भी पार्ट्स है वहां पे ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है आर्टरीज मतलब आर्टरीज का क्या काम हुआ ये ब्लड को हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी ऑल अदर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल मतलब अगर हम पलमोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी आर्टरीज है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करने का काम करती है नेक्स्ट है वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन्स ऑल अदर वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी सेल्स टू द हार्ट तो वेन का क्या काम होता है जो आर्टरीज का काम है ना जस्ट उसका ऑपोजिट होता है मतलब आर्टरीज क्या कर रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर रही थी और वेन्स क्या करती हैं डी ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स से हार्ट में लेके आती है मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम करती है एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है पल्मोनरी वेन्स ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो ये काम नहीं करती है नेक्स्ट है ब्लड कैपिलरीज ईच इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन इज प्रोवाइडेड विथ कैपिलरी नेटवर्क एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिय हॉर्मोन्स विटामिन एटसेट्रा टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरी वॉल सच यूजफुल सब्सटेंसेस आर सेंड टू द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स आर टेकन फ्रॉम द सेल तो ब्लड कैपुलरीज क्या होती हैं बहुत ही फाइन होती है मतलब बहुत ही बारीक होती हैं और हर सेल के अंदर मतलब सेल से वो कनेक्टेड होती हैं और ये ब्लड कैपुलरीज का क्या काम होता है ये ऑक्सीजन है न्यूट्रियट्स है या हॉर्मोन्स को बॉडी के सेल में पहुँचाने का काम करती है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम ब्लड कैपुलरीज करती हैं नेक्स्ट है ब्लड सेल्स वेरियस फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स तो हमारे बॉडी में बहुत ही टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जैसे उसमें से एक है आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसल्स कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है आरबीसी डब्ल्यू बी सी जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड फाइट अगेंस्ट जर्म्स ऑफ डिसीजेस मतलब जो जर्म्स हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं उनसे फाइट करने का काम करता है डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स कैरी आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो ब्लड क्लॉट होता है ना जब भी हमें चोट लगती है तो ऐसा तो नहीं होता है कि कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है थोड़े टाइम के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है ना तो वो किसके कारण होता है प्लेटलेट्स के कारण होता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग नेक्स्ट है प्लाज्मा मैनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा विच कैरी आउट डेफिनाइट फंक्शंस प्लाज्मा ऑल्सो गिवस फ्लूडिटी टू द ब्लड तो सो so, हमने देखा है ना कि ब्लड फ्लूड होता है फ्लूड मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में वाटर होता है और उस वाटर में काफी सारे डिसॉल्व प्रोटीन होते हैं जो बहुत सारे वो जो प्रोटीन है एंजाइम्स है वो बहुत सारे फंक्शंस को कैरी करते हैं तो ये हो गया प्लाज्मा थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम देखो ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि हमें फिगर को ड्रॉ करना है लेबल का मतलब क्या है कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे हमें उनके नाम लिख के मेंशन करना होता है उसे हम कहते हैं कि डायग्राम को लेबल करना तो सिर्फ ड्राइंग करने से नहीं होता है हमें उसे अच्छे से लेबल भी करना होता है तो फर्स्ट ए हमें दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि इसको आपको अच्छे से ड्रॉ करना है नीटली और उसके बाद इसके पार्ट्स को लेबल करना है देख लेते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या है नसल कैविटी है फेरिंग्स है लेरिंग्स है ट्रैकिया लंग्स ब्रॉन्कीोलस है एलविओलाई है और डायफ्राम। तो ये सबको आपको लेबल भी करना है नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो देखो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक तो प्रॉपरली राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है मतलब लेफ्ट साइड में आपको सारे नाम लिखने हैं बट वहां पे लेफ्ट लेफ्ट लगा के रखना है और वैसे ही सेम नाम जो है वो आपको राइट साइड में भी दिए हुए वहां पे आपको राइट राइट लिखना है तो ये मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ राइट पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है और सुपीरियर वेना वेनाकेवा राइट पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रही है वेन्स यहाँ पे रेड कलर में दी हुई है और आर्टरीज़ यहाँ पे हमें ब्लू कलर में दी हुई है राइट ऑट्रियम है वेना वेनाकेवा उसके बाद आप देख सकते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व राइट वेंट्रिकल है सेमी ल्यूनार वॉल्व ऑफ सिस्टेमिक एरटा लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑट्रियम पल्मोनरी आर्टरी सिस्टेमिक अरोटा तो ये इसके इतने सारे नाम हमें दिए हुए हैं आप कम से कम सिक्स टू सेवन नेम्स आपको लिखना ही लिखना है जो आपको कॉमन लग रहा है ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों है वो लिखना है और जो ट्रा स्पीड और बाय का स्पीड वॉल्व है उसको लिखना है तो नीटली आपको ड्रॉ करना है और उसके साथ में ही इसको लेबल करना है क्वेश्चन नंबर फोर हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन विथ रीजन तो यहाँ पे हमें क्या करना है उसका रीजन बताना है फोर्थ ए क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड इज रेड कलर्ड मतलब जो ह्यूमन का ब्लड है वो रेड कलर क्यों होता है द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हिमोग्लोबिन विच इज अ रेड कलर्ड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विथ आयरन दैट इज प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल्स देयर इट लुक्स रेड तो एक्चुअली में जो रेड कलर होता है ह्यूमन ब्लड का वो किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है ऐसा प्रोटीन जो कॉन्जुगेट है मतलब जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है आयरन से जुड़ा हुआ है मतलब आयरन और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है उसको साथ में हम कहते हैं हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अकर्स कंसेक्यूटिवली मतलब जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है ना डायफ्राम का वो कंटिन्यूअसली होता रहता है क्यों उसका रीजन हमें बताना है देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसका आंसर द ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम तो ये हमने पहले भी देखा है कि डायफ्राम का कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है द रिब मसल्स ऑल्सो हेल्प इन दीज मोमेंट्स और उसके साथ में ही रिब की जो मसल्स होती है ना वो भी हेल्प करती हैं इस मोमेंट्स में वेन द रिब्स राइज एंड डायफ्राम इज लोअर्ड एट द सेम टाइम जब क्या होता है रिब्स ऊपर के साइड जाती है उसकी मसल्स और डायफ्रोम की लोअर मतलब नीचे के साइड जब उनकी मसल्स जाती हैं देन देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर ऑन लंग्स तो उस समय क्या होता है लंग्स में प्रेशर डिक्रीज होता है मतलब प्रेशर कम होता है

और सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है डायफ्राम राइजोन हो रहा है मतलब डायफ्राम जो है वो ऊपर के साइड आ रहा है देन प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस और जब लंग में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दिस कॉजेज मूमेंट ऑफ द एयर आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोज इन द फॉर्म ऑफ एक्जलेशन तो उस समय क्या होता है जब लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है तो उस समय एक्जलेशन होता है और नोज से कार्बन डाइऑक्साइड एक्जेल हो जाती है मतलब बाहर निकल जाती है दीज मूमेंट्स आर पॉसिबल ओनली टू कॉन्सिक्यूटिव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम तो ये एक्सलेशन और इन्हीलेशन और लंग्स में प्रेशर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम क्वेश्चन नंबर सी ब्लड डोनेशन इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर ऑफ ऑल डोनेशंस मतलब जितने भी डोनेशंस होते हैं उनमें सबसे ऊपर ब्लड डोनेशन को रखा गया है इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी आर्टिफिशियल केमिकल प्रोसेस तो किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम ब्लड को मैन्युफैक्चर मतलब ब्लड को बना नहीं सकते हैं The only way to obtain blood is by donation of blood from a live donor. मतलब एक live donor से ही हम blood को ले सकते हैं Blood is needed at times of emergency. किसी emergency के time में हमें blood की requirement होती है The life of person can be saved if timely blood transfusion is given to the needy victim or a patient. अगर किसी patient को तुरंत blood transfusion की जरूरत है तो हम उसे blood दे सकते हैं सिंस सच डोनेशन कैन सेव अ वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ इट इज कॉल्ड सुपीरियर ऑफ ऑल डोनेशन तो ब्लड डोनेशन के द्वारा हम किसी ह्यूमन की लाइफ को सेव कर सकते हैं जो कितनी ज्यादा है इसीलिए ये कहा गया है कि जितने भी डोनेशन हैं उसमें सबसे सुपीरियर है ब्लड डोनेशन क्वेश्चन नंबर फोर डी पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर तो जो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसका रीजन हमें बताना है पर्सन ओ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन ऑन हर तो उसकी आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं द ओ टाइप ब्लड दस कैन नॉट कॉज क्लॉटिंग रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ द रेसिपियंट तो उसमें एंटीजन नहीं होता है मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना उसमें एंटीजन नहीं होता है तो वो ब्लड जब किसी रेसिपिएंट को दिया जाता है तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है क्लॉटिंग रिएक्शन नहीं होता है सच पर्सनस विथ ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सनस हैविंग एनी ब्लड ग्रुप देयर फॉर दे आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ए हो बी हो या ए बी हो या ओ है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या कहा जाता है कि पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर अच्छा बच्चों पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव तो मैं तो सिर्फ ए पॉजिटिव वालों को ही ब्लड दे सकती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप यूनिवर्सल डोनर हो या यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो क्या हो आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर फोर ई फूड मस्ट हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट मतलब जो हम फूड खाते हैं ना खाना खाते हैं उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए देखते हैं इसका रीजन क्या है मोर सॉल्ट इन डाइट मीन्स मोर सोडियम आयन्स आपको पता है कि सोल्ट में क्या होता है सोडियम क्लोराइड है मतलब उसमें क्या होते हैं सोडियम आयन्स होते हैं अगर मोर सॉल्ट मतलब ज्यादा सॉल्ट हुआ मतलब उसमें ज्यादा सोडियम आयंस रहेंगे दीज एक्स्ट्रा सोडियम सॉल्ट कॉज राइज इन ब्लड प्रेशर तो अगर सोडियम आयन्स ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे सच कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर टेंशन उसको इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं हाइपर टेंशन जब हाइपर टेंशन का मतलब है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है दिस कंडीशन कैन बी डेंजरस एंड फटाल इन सम केसेस तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है देयर फॉर वन मस्ट कीप कंट्रोल ओवर सोडियम कंटेंट इन द फूड तो हमें क्या करना है कि हमें फूड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही खाना चाहिए ऐसा बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स मतलब हमें अपने ओन वर्ड्स में इसको आंसर करना है आप चाहे तो ये आंसर फॉलो करें या फिर आप अपने ओन वर्ड में अपना कुछ एक्सपीरियंस या अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं इसमें फिफ्थ ए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शन को रिलेशन ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम विथ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटिव सिस्टम तो हमें क्या करना है फंक्शनल को बताना है फंक्शनल को का मतलब है कि जो अलग अलग बॉडी में सिस्टम होते हैं ना जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम ये सिस्टम का आपस में क्या को है मतलब ये आपस में कैसे रिलेटेड है वो हमें बताना है तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं इसको आप रीड आउट कर लो और इसको आप लिख लो और अपने ओन वर्ड्स में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड तो हमें ह्यूमन ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है तो ये आंसर्स मैंने डायरेक्ट बुक से लिया है उसका ही कॉपी किया है यहाँ से तो आप देख सकते हैं पेज नंबर सेवेंटी नाइन में आपको ये आंसर मिल जाएगा ये टेबल दिया हुआ है जिसमें ओवरऑल आपको ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या है उसके पार्ट्स और उनका रोल क्या क्या है उनके फंक्शन क्या क्या है वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूं कि ब्लड क्या होता है ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूड मटेरियल मतलब रेड कलर का फ्लूड मतलब लिक्विड मटेरियल है इट इज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू तो ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड कौन कौन सा टिश्यू है तो आपको बताना है कि ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू है द ऑक्सीजिनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर्ड सॉल्टी इन टेस्ट एंड पी एच इज सेवन पॉइंट फोर आपको यह भी हमेशा याद रखना है कि ब्लड का पी एच सेवन पॉइंट फोर होता है और जो डीप रेड होता है वो ऑक्सीजिनेटेड होता है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू कॉम्पोनेंट्स मतलब ब्लड के मेजरली टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स प्लाज्मा का मतलब होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसे, उसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स देखो प्लाज्मा अगर लिक्विड है मतलब 90 टू 92 परसेंट उसमें वाटर है 6 टू 8 परसेंट उसमें प्रोटीन है प्रोटीन मतलब वो सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं वन टू टू परसेंट उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं कुछ कैल्शियम आयरन ये सब होता है तो इसको आप पढ़ लेना एक बार और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं इसको आप एक बार रीड आउट कर लो अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी पॉइंट तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो और ये सेम आंसर आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर सेवेंटी नाइन में मिल जाएगा तो अभी हमने देखा ना कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स वो सब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड है उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड मतलब ब्लड इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें ब्लड का फंक्शन भी पता होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शन होता है तो देखो फंक्शंस ऑफ ब्लड आपको पेज नंबर 80 में मिल जाएगा तो, तो यहाँ पे हमें एट फंक्शंस दिए हुए हैं बट एग्जाम के लिए कम से कम फाइव टू सिक्स फंक्शन आपको लर्न करने हैं तो so, ओवरऑल देख लेते हैं इसके फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है तो वो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो रहा है ब्लड के थ्रू उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड है एंजाइम्स है प्रोटीन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू होता है प्रोटेक्शन का काम करता है क्योंकि ब्लड में आपको पता है कि डब्ल्यू होते हैं और डब्ल्यू क्या होते हैं सोल्जर्स होते हैं हमारे बॉडी के मतलब ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में आगे जाके आप और डिटेल्स में पढ़ोगे कि उसका क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में बट उसका ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है थर्मो रेगुलेशन मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड करता है उसके बाद है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स जैसे सोडियम है पोटेशियम है उनको बैलेंस करने का काम भी ब्लड करता है एट फंक्शन हमें दिया हुआ है इफ ब्लीडिंग अकर्स एट द इंजरी

तो ये फंक्शंस हमने देख लिए आपको जो जो फंक्शंस इजी लगते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं बट आपको फंक्शंस पता होने चाहिए ब्लैड के नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड डोनेशन का क्या इम्पॉर्टेंस है और उसकी क्या नीड है क्या ज़रूरत है ब्लड डोनेशन की तो आप सभी को पता है कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है तो ये आप पूरा रीड आउट कर लो और इसके साथ में ही आप अपने और पॉइंट्स भी आपका अपना व्यू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ब्लड डोनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे हमें डिफरेंसेस बताने हैं तो सबसे पहला डिफरेंसेस हमें बताना है आर्टरीज़ और वेन में क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंसेस uh, बता दिए हैं बट कम से कम फाइव टू सिक्स डिफरेंस आपको लर्न करना है तो ये हमने टू कॉलम्स बना लिए हैं आर्टरीज और वेन के तो आर्टरी में देखो क्या लिखा हुआ है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द ब्लड मतलब आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को हार्ट से टिश्यू में पहुंचाने का काम करती है और जस्ट इसका ऑपोजिट आपको वेन में लिखना है वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट और टिश्यू से हार्ट में ब्लड ले जाने का काम करता है वेन्स सेकेंड डिफरेंस है आर्टरीज आर लोकेटेड डीपर विद इन द बॉडी मतलब बॉडी के काफी अंदर के साइड होती है आर्टरीज वेन्स आर यूज़ुअली लोकेटेड सुपरफिशियल बीनीथ द सर्फेस ऑफ द स्किन और हमें स्किन से आपने देखा होगा ना आपको कभी कभी वेन्स दिखाई देती हैं तो वो क्या होती हैं वेन्स होती है और आर्टरीज काफी अंदर के साइड होती है थर्ड डिफरेंस है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड मतलब काफी मोटी वॉल होती है आर्टरीज की वेन्स आर थिन वॉल्ड और वेन्स की वॉल थिन होती है फोर्थ डिफरेंस हम लिख सकते हैं आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स मतलब आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं वेन्स हैव वॉल्व्स और वेन में वॉल्व होते हैं आर्टरीज वुड जनरली रिमेन्स ओपन तो आर्टरीज जनरली क्या होते हैं ओपन होते हैं इफ ब्लड फ्लो स्टॉप ड्यू टू देअर थिक मोस्ूलर लेयर तो थिक मोस्कुलर लेयर के कारण क्या होते हैं वो जनरली ओपन होते हैं वेन्स वुड कोलैप इफ ब्लड फ्लो स्टॉप अगर ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाए तो वेन्स कोलैप्स हो सकते हैं मतलब टूट सकते हैं बट आर्टरीज ऐसा उसमें नहीं होता है बिकॉज वो क्या होते हैं थिक वॉल होती है उनकी सिक्स हो जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज ऑल आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ही डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बाकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसका जस्ट ऑपोजिट आपको वेन्स में लिखना है सेवेंथ डिफरेंस हो जाएगा आर्टरीज आर मोर मस्क्यूलर देन वेन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ब्लड दैट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन एफिशियंटली टू द टिश्यू तो ये काफी मस्क्यूलर होती है ठीक होती है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना ईजी होता है दैट्स वाई आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज होता है वेन्स आर लेस मस्क्युलर देन आर्टरीज बट कंटेन वॉल्व टू हेल्प कीप ब्लड फ्लोइंग इन द राइट डिरेक्शन यूजली टूवर्ड्स द हार्ट तो इसमें वॉल्व होते हैं वोल्व का मतलब क्या होता है छोटे छोटे गेट होते हैं जो बंद होते हैं खुलते हैं वो क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो एथ डिफरेंस हो जाएगा देयर इज मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज तो आर्टरीज में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है और वेन्स में मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है और इसका रीजन भी हमें पता है कि आर्टरीज की वॉल थिक होती है तो वहां पर वो प्रेशर को होल्ड कर सकता है बट अगर अगर उसकी वॉल जो है जैसे कि वेन है उसकी वॉल में अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो वो फट सकती है सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंस है नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है एक्सटर्नल का मतलब अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने नोज और लंग्स के थ्रू देखी थी ना वो क्या था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से वो कनेक्ट था और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि अगर सेल और टिश्यू मतलब बॉडी के अंदर ही जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द आउट साइड इन टू द बॉडी एंड रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी टू आउट साइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में हमें क्या दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स बिटवीन सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट internal respirations occurs only in the cells of the body. third, it involves processes of inspiration and expiration. it involves movement of o2 from blood into tissue flood and movement of carbon dioxide from tissue. fourth, external respiration involves breathing and gaseous exchange. internal respiration involves Neither breathing nor gaseous exchange. Fifth difference ho jayega oxygen combines with hemoglobin in external respiration. Chemical reactions occur in the cell to form energy. तो ये हो गया difference between the external and internal respiration. I hope आपको समझ में आ गया हो. कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हो. क्वेश्चन है हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ़ ब्लड डोनर शुड बी चेक्ड मतलब अगर कोई ब्लड डोनर है ब्लड डोनर का मतलब जो ब्लड डोनेशन करने वाला है तो उसके भी हेल्थ पैरामीटर्स मतलब उसके कुछ चेकअप हमें करना चाहिए तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं ब्लड डोनर शुड बी हेल्दी तो वो क्या होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीक है पतला दुबला कहीं गिर जा रहा है उसका ब्लड और निकाल लेंगे तो बेचारे की क्या हालत होगी तो सबसे पहला तो ये है कि ब्लड डोनर शुड बी हेल्दी वो हेल्दी होना चाहिए ही और शी शुड हैव गुड हिमोग्लोबीन्स content, उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा खासा होना चाहिए द RBC and WBC एंड should also be काउंट शुड बी नॉर्मल और नॉर्मल आर बी सी डब्ल्यू बी सी नॉर्मल हमने भी देखा था ना मैच माई पार्टनर में उतना उसमें नॉर्मल होना चाहिए दे शुड नाट कैरी एनी पैरासाइट्स इन देअर बॉडी सच एज मलेरिया पैरासाइट्स और डेंगू वायरसेस तो उसमें कोई पैरासाइट जैसे मलेरिया डेंगू या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन उसे नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो ब्लड डोनेट करेगा तो ब्लड के थ्रू उसके वायरसेस भी ट्रांसफर हो सकते हैं द डोनर शुड नाट बी एच आई वी पॉजिटिव और शुड नाट हैव एनी इन्फेक्शनस डिसीज तो उसको एच नहीं होना चाहिए या फिर और कोई इन्फेक्शन डिसीज नहीं होना चाहिए ही शुड हैव एनी एडिक्शंस सच एज़ अ ड्रग अब्यूज़ और एल्कोहल कंजम्पशन तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रिंक करने वाला या ड्रग्स लेने वाला हो क्योंकि उसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो डोनेट करने के बाद जिस पेशेंट को उसका ब्लड दिया जाएगा उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है तो ये पैरामीटर्स हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए उसके बाद ही ब्लड डोनेशन का काम शुरू करना चाहिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर एट में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स तो यहां पे हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जहां पे कुछ वर्ड्स हैं, और हमें इसे चूज करना है और करेक्ट प्लेस पे रखना है देखो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है आरबीसीज़ ऑफ द ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंपाउंड ये हमने देखा था ना कि वो प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और आयरन से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन सेकेंड क्वेश्चन है बी डैश इज प्रेजेंट बिटवीन थोरासिस एंड एबडोमिनल कैविटी तो थोरासिस मतलब जो गले के आसपास का एरिया है और एबडोमिनल मतलब पेट के आसपास का एरिया है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन थोरासिस एंड एबडोमिनल कैविटी सी क्वेश्चन है कार्डियक मसल्स आर डैश तो कार्डियक मसल्स मतलब जो हार्ट की मसल्स क्या होती हैं वो इन होती है इन मसल्स का मतलब है कि उन मसल्स में हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो खुद कंट्रोल होती है क्योंकि हम अपने हार्ट को बोलते हैं क्या ए हार्ट चल बीट कर ए हार्ट चल अपना काम मत कर नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते हार्ट अपना काम खुद से कर रहा है मतलब वो क्या है इन है डी क्वेश्चन है पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एल्केलाइन तो यहाँ पे 7.4 भी अगर आपने लिखा तो भी वो करेक्ट आंसर है या फिर आपने एलकेलाइन लिखा तो वो भी क्या है करेक्ट आंसर है ई प्रोडक्शन ऑफ आर बी सीज अकर्स इन रेड बोन मैरो मतलब जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट देखते हैं यहाँ पे ऑड क्या है ए के ए बी बी तो हमें पता है कि जो के है वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप नहीं है ए ओ ए बी और बी क्या है ब्लड ग्रुप है सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड कारपसल्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों क्योंकि बाकी हमने देखा था ना कि प्लाज्मा प्लेटलेट्स और ब्लड कार्पसल्स का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू वो ब्लड का पार्ट है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब किसी और को ब्लड देना और बाकी क्या है ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो इसका वन आउट हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सी ट्रैकिआ एलवी डायफ्राम कैपिलरीज तो हमने देखा था कि ट्रैकिआ एलवी और डायफ्राम ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है तो ये तीनों सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही पाए जाते हैं और जो कैपिलरीज है वो तो पूरी बॉडी में फैली हुई है मतलब थ्रू आउट द बॉडी हमको मिलती है डी क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स ग्लोब्यूलिन एलब्यूमिन प्रोथ्रोम्बिन तो इसमें ऑर्डवन आउट क्या हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स ऑल अदर्स आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मतलब सिर्फ न्यूट्रोफिल्स क्या है वो डब्ल्यू बी सी का पार्ट है मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमने देखा था ना न्यूट्रोफिल्स उसका पार्ट है और बाकी के जो तीन है वो क्या है प्रोटीन्स है और वो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द डिसीज तो हमें क्या करना है पैराग्राफ को रीड करना है और डिसीज को आइडेंटिफाई करना है टुडे हर चाइल्ड बिकेम वन एंड हाफ ईयर ओल्ड हाव एवर दैट चाइल्ड डज नॉट सीम टू बी हेल्दी एंड हैप्पी इट वॉज कंटिन्यूअसली क्राइंग एंड ग्रेजुअली बिकमिंग वीक इट हैज शॉर्ट एंड ऑफ ब्रीथ इट्स नील हैव बिकम ब्लू तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कंटिन्यूसली रो रहा है वीक हो गया है और उसकी ब्रीथ जो है वो शॉर्ट एंड है मतलब बहुत ईजिली वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और उसके नेल्स भी ब्लू हो गए हैं तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द हार्ट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ब्लू इज ने शो लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसके नेल्स ब्लू हो सकते हैं दस द बेबी मे बी सफरिंग ऑल्सो फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है जिसके कारण वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है मतलब शॉर्ट एंड मतलब छोटी छोटी वो ब्रीथ कर रहा है इलेवेंथ क्वेश्चन है योर नेबरिंग अंकल हैज बीन डायग्नोस्ड विद हाइपर टेंशन वॉट शुड ही डू टू कीप हीज ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज अगर आपका जो नेबर के जो अंकल है वो हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर से डायग्नोज हुए डायग्नोज मतलब उनको पता चला है कि उनको हाइपर टेंशन है तो उन्हें क्या करना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हाइपर टेंशन हैज मैनी कॉजेस Try to find out what is the exact cause. तो so, हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना होगा ये सोचना होगा कि अंकल का एग्जैक्ट कॉज क्या है किसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन हो रहा है कौन है जो उनको इतना टेंशन दे रहा है इट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं ओबेसिटी मतलब मोटापे के कारण लॉट्स ऑफ फास्ट एंड जंक फूड्स कंजम्पन्स ओवर इंटेक ऑफ सॉल्ट मेंटल टेंशन एटसेट्रा तो ये काफी सारे रीजंस हैं जिनके कारण हाइपर टेंशन हो सकती है तो आप जाके अंकल को बोलो प्लीज अंकल एक्सरसाइज करो ज्यादा टेंशन मत लो और अपने खाने में सॉल्ट के इनटेक को थोड़ा कम कर लो he should visit a proper physician and take prescribed blood sugar control medicine. तो उन्हें एक physician के पास जाना चाहिए physician मतलब एक doctor specialist जो होते हैं वो और उसके साथ में ही उन्हें प्रिस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर ने दी है वो मेडिसिन उन्हें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेनी चाहिए ही शुड नेवर मिस अ सिंगल टैबलेट तो जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही उन्हें टैबलेट लेनी चाहिए टैबलेट को ऐसा ना करें कि कभी मिस कर दिया और नहीं लिया ही शुड अवॉइड सॉल्टी एंड प्रिजर्व फूड मतलब जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना लंबे लंबे दिनों के लिए वैसा नहीं करना है और सॉल्टी ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना है ही शुड प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन उन्हें योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस रेगुलरली करनी चाहिए ही शुड ऑल्सो अंडरटेक सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उसके साथ ही उन्हें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ टेक्निक यूज करनी होगी टेक्निक का मतलब उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है और अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है तो उसको अपने ऑल अराउंड अगर कोई ऐसा लग रहा है कि किसी को ज़रूरत है और वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों से तो आपको उन्हें अवेयर करना होगा और एक जागरूकता बढ़ानी होगी योगा के लिए मेडिटेशन के लिए तो बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइजेस के पूरे क्वेश्चन आंसर्स कम्पलीट कर लिए हैं अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बट हाँ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कौन सी एक्सरसाइज है या योगा है या स्पोर्ट्स में आप कौन सा गेम खेलते हो ये मुझे बताना बिकॉज मैं भी रेगुलरली योगा तो करती हूँ और आपको भी ये फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए और एक हेल्दी माइंड के लिए आपको योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए ना कि अपना पूरा टाइम मोबाइल में या गेम्स में आप वेस्ट करो आप थोड़ा बहुत वो भी करो और अपने वर्क और सबको आपको बैलेंस करके चलना चाहिए चलो आज के लिए इतना ही बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी बाय